देख सकते हैं पीछे रोटावेटर के ऊपर तीन बंदे खड़े हो चुके हैं और रोटावेटर आप देख लेंगे कितनी ज्यादा गहराई लेकर चल रहा है। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है सुमित चीमा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृषि मीडिया एंड टेक। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा, सबसे सस्ता रोटावेटर 50,000 की कीमत का रोटावेटर आपको दिखाने वाले हैं आज। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आप जो है आपका परिचय करवा देते हैं डीलर साहब से, फिर आपको जो है रोटावेटर का डायरेक्टली पहले डेमो दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि आप जो है इस प्राइस के अंदर इस रोटावेटर को किस तरीके से खरीद सकते हैं और कहाँ पर ये अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो आप जो है किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरा नाम विकास सिद्धू है और हमारा ये सिद्धनाथ एग्रीकल्चर स्टोर गढ़ मेरठ रोड हापुड़ में पड़ता है। मेरा नाम है नितिन त्यागी और ये अपना जो स्टोर है सिद्धनाथ एग्रीकल्चर स्टोर, ये अपना गढ़ मेरठ रोड डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में पड़ता है और अपना रोटावेटर है KID रोटावेटर है जिसे हम यहाँ पर सेल करते हैं। तो दोस्तों अब आपको डायरेक्टली पहले इसका डेमो दिखाते हैं। रोटावेटर आप देख सकते हैं KSD का रोटावेटर है, सीधे आपसे मिलते हैं खेत में और उसके बाद जो है कंप्लीट बताएंगे कि किस तरीके से खरीद सकते हैं और किस प्राइस के अंदर आप इस रोटावेटर को खरीद सकते हैं। दोस्तों अब आप जो है KSD रोटावेटर का डेमो देख रहे हैं। मैसी फर्गूसन 1035 GI ट्रैक्टर है, 39 HP की श्रेणी का ट्रैक्टर है और आप रोटावेटर दिखा रहे हैं। आपको जुते हुए खेत के अंदर जो है ट्रैक्टर चल रहा है इस टाइम और मिट्टी आप देखेंगे आगे लगभग काफ़ी सारी मिट्टी लेकर आगे चल रहा है रोटावेटर इस टाइम देख सकते हैं आप लोग। और रोटावेटर की गहराई भी मैं आपको अगर दिखा दूँ तो रोटावेटर देखेंगे आप जो साइड वाले पट्टे होते हैं वो बिल्कुल मिट्टी के अंदर है और काफ़ी अच्छी गहराई लेकर चल रहा है। वहाँ भी आपको दिखा देते हैं गहराई आप लोग देख सकते हैं, फुल बैठकर डाउन मिट्टी के अंदर चल रहा है। मिट्टी साइड वाले पट्टे देख सकते हैं, मिट्टी आप लोग देख सकते हैं। जुते हुए खेत में दोस्तों चलाने का कारण यही था कि इसकी फुल गहराई आपको दिखाई जाए क्योंकि बहुत से किसान भाई कहते हैं कि बिना जूते में चलाइए। तो मैं आपको बता दूं बिना जूते खेत के अंदर क्या होता है दोस्तों, रोटावेटर फुल नहीं बैठता ना ट्रैक्टर पर लोड आता है, इसलिए मेन कारण है इसे जूते हुए खेत में चलाकर दिखाने का। आप लोग रोटावेटर की गहराई देखेंगे। अब मैं आपको ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, ट्रैक्टर RPM वगैरह ड्रॉप तो नहीं कर रहा है, ये आप लोग देख लेंगे 1500 RPM कर दिए हैं कुछ। रोटावेटर आप लोग देख लेंगे फुल गहराई लेकर चल रहा है रोटावेटर, KSD का रोटावेटर है। और ट्रैक्टर के ऊपर भी मैं अगर आपको दिखा दूँ तो कोई आप देख लेंगे कोई लोड नहीं है, कोई धुआं नहीं है ट्रैक्टर के ऊपर। RPM 1500 किए थे, 1500 पर ही है, कोई RPM ड्रॉपेज नहीं है। ओवरऑल जो रोटावेटर का परफॉर्मेंस है वो आप लोग देख सकते हैं कैसा चल रहा है। रोटावेटर की दोस्तों आपको गहराई भी दिखाएंगे वीडियो के अंदर कि रोटावेटर कितनी गहराई लेकर ये चल रहा है। जैसे कि जुता हुआ खेत है तो गहराई काफ़ी ज़्यादा लेकर चल रहा है, वो भी आप लोगों को दिखा देंगे। बाकी दोस्तों ट्रैक्टर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही जो है आप कह सकते हैं ना ही दब रहा है ट्रैक्टर, बिल्कुल लोड फ्री ट्रैक्टर चल रहा है। और रोटावेटर आप लोग देख सकते हैं रोटावेटर के चक्कर भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ये आप लोग रोटावेटर के RPM देख सकते हैं, काफ़ी सारी मिट्टी आगे लेकर चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा शानदार इसका देखने को मिल रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं KSD का रोटावेटर है और मैसी फर्गूसन 1035 GI है, किसान भाई का ही ट्रैक्टर है और किसान भाई का ही रोटावेटर है। मेनली पर्पस क्या है, किसान भाई का आपके साथ रिव्यू करवाएंगे कि किसान भाई ने कब खरीदा था रोटावेटर और कैसा जो है परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा शानदार वीडियो है आज की आप लोगों के लिए। ये फिलहाल में आप रोटावेटर की गहराई देख सकते हैं, देख लेंगे जो नीचे की नीचे वाली जो गिलारी होती है उसके बराबर तक ये मिट्टी लेकर चल रहा है। दोस्तों आपको गहराई इसकी दिखा रहे हैं कितनी गहराई लेकर चल रहा है रोटावेटर, बस बस पक्की मिट्टी आ जाए जहाँ मारो दो पक्की आएगी, बस बस बोले इतना। दोस्तों ये आप लोग गहराई देख सकते हैं लगभग इतनी गहराई ये लेकर चल रहा है, जो चीज़ जेन्युइन है जेन्युइन चीज़ आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं पीछे रोटावेटर के ऊपर तीन बंदे खड़े हो चुके हैं और रोटावेटर आप देख लेंगे कितनी ज़्यादा गहराई लेकर चल रहा है। मैसी फर्गूसन 1035 ट्रैक्टर है, ये आप लोग देख सकते हैं। और रोटावेटर का परफॉर्मेंस आप लोग देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है रोटावेटर का, फुल गहराई लेकर चल रहा है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है आगे और तीन बंदे रोटावेटर के ऊपर खड़े हैं इस टाइम देख सकते हैं आप लोग। ट्रैक्टर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, लोड फ्री चल रहा है, किसी प्रकार का ट्रैक्टर के ऊपर कोई लोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। 39 HP की कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है और रोटावेटर फिर से मैं आपको दिखा दूँ बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है, कोई किसी तरीके की कोई वाइब्रेशन नहीं है,
ना ही किसी तरीके की कोई आवाज़ है रूटावेटर के अंदर। और फिर आप लोग देख ही रहे हैं पीछे तीन बंदे रूटावेटर के ऊपर खड़े हैं, फुल गहराई लेकर चला है रूटावेटर। आप लोग देख सकते हैं जो रूटावेटर को रोकने वाले पट्टे होते हैं वो बिल्कुल मिट्टी के अंदर धंसे हुए हैं। और ट्रैक्टर के ऊपर फिर मैं आपको दिखा दूँ, कोई किसी प्रकार का लोड नहीं है। ये आप लोग देखेंगे मिट्टी में, आपको दिखा दूँ रोटावेटर कितनी ज़्यादा लेकर चल रहा है। ये आप लोग देखेंगे गहराई, बंद कर लो। पहले तो आप ये बताइए रोटावेटर कैसा चल रहा है? रोटावेटर बहुत अच्छा चल रहा है जी। लगभग अगर समय की बात करें तो आपने कब खरीदा था रोटावेटर? ये रोटावेटर लगभग हो गए जी डेढ़ से दो महीने हो गए जी। आपने अब तक हर तरीके के खेत के अंदर ये चलाकर देखा होगा, बिल्कुल। तो कैसा परफॉर्मेंस मिलता है रोटावेटर का? बहुत ही बढ़िया रोटावेटर है जी, और आपको क्वालिटी की तो कोई दिक्कत है ही नहीं जी। जी 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 जी। और भी रोटावेटर हमने पहले चलाए हैं जी, पर जैसा कि ये अपना KHD रोटावेटर है जी, हमने ये 1.5 से 2 महीने पहले लिया था जी, और हमने इस पे सब्सिडी भी कराई है जी। तो अगर इसकी कीमत की बात करें तो आपने किस कीमत के अंदर खरीदा था, कितनी सब्सिडी आपको इसके ऊपर मिली है? 90,000 रुपये में खरीदा था जी। जी जी। लगभग 50-60% सब्सिडी हमें इसके ऊपर मिली है जी। यानी कि आपको लगभग 45-50 हज़ार का रोटावेटर पड़ गया। जी जी जी। और इसके बारे में, जैसे कि इससे पहले भी आपने रोटावेटर चलाए होंगे, और कोई इसके बारे में रोटावेटर के बारे में आपकी राय हो, कुछ आपको इसमें पर्सनली अच्छा लगा हो तो वो भी बताइए किसान भाइयों को। पर्सनली बात तो ये है जी, जैसा कि हम अगर मूंढे के खेत में जोतते हैं, हमने आमतौर पर रोटावेटर देखे हैं जी, उनमें घड़ घड़ की ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जी, जी। बिल्कुल साइलेंट रोटावेटर है जी, बिल्कुल बैलेंस, जैसे वो बैलेंस में चलने वाला झटके लेकर चलता है। बिल्कुल एक बैलेंस में चलता है बिल्कुल जी, किसी तरीके की कोई आवाज नहीं करता और ना ही ट्रैक्टर पे इतना लोड आता है जी, बिल्कुल लोड फ्री रोटावेटर है। आप एक चीज़ और बताइए जी, जैसे कि बहुत सी कंपनियों के रोटावेटर आपने इससे पहले भी चलाए हुए हैं जी, तो आपका विचार जो बना KHD का वो कैसे विचार बना, कहीं पर चलते हुए देखा था या कैसे विचार बना KHD का? गांव में एक दो लोग पहले भी लेके आए इसे, हमने चलता हुआ देखा और फिर देख कर ही हमने इस रोटावेटर को पास किया, हम लेकर आए और अब हम इससे बहुत संतुष्ट हैं, बहुत बढ़िया चल रहा। कोई शिकायत नहीं? कोई बिल्कुल कुछ नहीं जी। जी अगर कोई किसान भाई आज के टाइम में इस रोटावेटर को खरीदना चाहता है तो आप क्या उसे रिकमेंड करेंगे या फिर वो अदर कंपनी का रोटावेटर खरीदे? मैं तो इसे ही करूंगा जी KHD, क्योंकि मैं चला रहा हूं, मुझे पता है इसकी क्या क्या खासियत है जी। अब आप एक चीज़ और बताइए, पहले तो ये बताइए आपने रोटावेटर कहाँ से खरीदा था? ये हमने रोटावेटर लोधीपुर स्कूल पर, दुकान है जी सिद्धनाथ एग्रीकल्चर स्टोर जी, वहाँ से लिया है जी। एक चीज और बताइए, जो रोटावेटर आपने खरीदा है जी, अगर डीलर की अगर हम सर्विसिंग की बात कर लें तो सर्विस आपको कैसे मिलती है रोटावेटर की? सर्विस की बात तो कोई ये शिकायत है, हो कोई नहीं नहीं बिल्कुल खुल के बताइए। सर्विस की बात तो ये है, हम एक बार पुराने ट्रैक्टर पे चला रहे थे जी, जी जी जी, तो इसमें गरारी बदलनी थी, वो चक्कर का फेरबर्ती का फेरबदल था जी, तो हमने एक बार फोन किया, वो तो 5 मिनट में ही आ गई जी, तुरंत हमारी गरारी बदल दी, हमने पुराने ट्रैक्टर से जुताई की, ट्रैक्टर कहीं बाहर गया होगा। यानी कि कोई अगर सर्विसिंग की बात करें तो कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल घर आके करके जाते हैं सर्विस। जी जी जी। और दोस्तों किसान भाई भी यहाँ पर, और भी किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं रोटावेटर को चलते हुए देखकर, इन्होंने जो है देखा खेत के अंदर आकर, तो आप भी बताइए रोटावेटर आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया है जी रोटावेटर, कोई दिक्कत नहीं है जी, बढ़िया चल रहा है। हाँ कम पैसे का है और क्वालिटी भी बढ़िया है जी। जैसे आपने रोटावेटर और भी देखे हुए चलते हुए, तो जैसे आपने ये भी चलता हुआ आज देखा, कुछ डिफरेंस लगा आपको? हाँ इसकी कटाई बहुत ज्यादा बारीक है जी, कटाई रोटावेटर के। हाँ कुछ कटाई ज्यादा बारीक है। गहराई की बात करें तो गहराई कैसी लगी आपको? गहराई भी काफी है, अदर जैसे हमारा शक्तिमान का है या दशमेश का है जी, जो गहराई वो देते हैं वही गहराई ये दे रहा है और कम पैसे में दे रहा है जी, तो किसान के लिए फायदा। जबरदस्त लगा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप भी बताइए थोड़ा बहुत रोटावेटर के बारे में, आपने जैसे चलता हुआ देखा कैसा लगा आपको? फर्स्ट टाइम आपका इम्प्रेशन कैसा था? फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन भाई साहब बहुत अच्छा था, काफी अच्छा है चलने में और स्मूथ चलता है बिल्कुल, और कोई चलने में दिक्कत नहीं है किसी भी तरह। जी जी जबरदस्त लगा रोटावेटर, बिल्कुल बहुत अच्छा। कोई आवाज वाज आपको रोटावेटर के अंदर आई अभी तक? किसी तरह की कोई नहीं है, ना ही जो कोई झंझनाहट है, ना ही कोता, बिल्कुल फिक्स चलता है जगह जहाँ पर डाल दिया। जैसे रोटावेटर आपने और भी चलते हुए खेतों के अंदर देखे होंगे, तो उसमें और इसमें कोई डिफरेंस लगा आपको? डिफरेंस एक तो कटाई बहुत अच्छी है जी, बिल्कुल बारीक कटाई है, आप देख सकते हैं वो तो दिख ही रहा है हम सबको भी जी, जी, बहुत जी, अच्छे तरीके से चल रहा है और जबरदस्त है, बिल्कुल लोड फ्री ट्रैक्टर है, जबरदस्त लगा रोटावेटर, बिल्कुल बहुत अच्छा। अगर कोई किसान भाई आपके हिसाब से खरीदना चाहे तो क्या इस रोटावेटर को खरीदे? भाई साहब इसे ही ले में, काफी अच्छा रोटावेटर है अपना। जी 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 जी। तो दोस्तों KHD के डीलर साहब भी हमारे साथ जो है फील्ड पर आए हुए थे, विकास जी हमारे साथ हैं। तो विकास जी आप ये बताइए, जैसे कि रोटावेटर, ये KHD का रोटावेटर है, अदर कंपनियों के भी रोटावेटर हैं, तो आपने इससे पहले जैसे इसकी एजेंसी लेने से पहले और रोटावेटर भी चलाकर देखे होंगे, तो इसका विचार ही कैसे बना KHD की एजेंसी का? देखो सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। जी जी जी।
ऐसा पहले हमने जो है बहुत काफ़ी सर्च किया है जी, और पहले हम एक रोटर लेके आए थे डैमो के लिए, पहले हमने वो चलाया है, काफ़ी ट्रैक्टर पे बदल बदल के चलाया है जी। और जैसे किसी रोटर में आवाज़ होती है धड़ धड़ करता है जी, इसमें कोई आवाज़ नहीं है, चलने में बढ़िया है जी, वो गहराई बहुत अच्छी लेता है जी। एक बार आपको दिखा देता हूँ रोटर जी 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 जी। टॉप जो है ज़्यादातर रोटर में जो है छः बोल्टों का आता है जी जी, इसमें पीछे तक है जिससे सपोर्ट बनी हुई है जी, और आवाज़ नहीं करेगा ज़्यादा, जो इसकी मजबूती है उसको देखते हुए बनाया गया है जी। और क्लेम्प डबल है जी, सब में सिंगल आते हैं, इसमें डबल क्लेम्प है। और डाला जो है डाले का साइज भी बड़ा है, आप देखेंगे साइड से निकला हुआ है जी, इसकी वजह से डोली नहीं बनाएगा जी, जैसे खेत में डोलिया सी बना देता है तो वो नहीं बनाएगा। और कोई थोड़ा सा इसके ब्लेड वगैरह के बारे में बताना चाहते हो? देखो ब्लेड की ऐसा है, जो सारी चीजें इसमें लगी हुई हैं जी, कंपनी जो है खुद बनाती है जी जी जी, सब चीज की गारंटी है जी, ब्लेड की घिसाई की भी जी। यानी कि अगर कोई किसान भाई खरीद लेता है, मान लीजिए आपका ये पिछला हिस्सा ही चटक जाए इसका, तो उसे गारंटी दी जाएगी इसकी चीज की भी जी। इसके बारे में बताइए, जैसे कि बहुत सी कंपनियों के रोटावेटर ऐसे हैं कि वो अपना मार्का लगाकर तो बेच रहे हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो अपनी कंपनी के अंदर ऐसा तो नहीं है? जैसे कि आप देख रहे होंगे गियर बक्सा KSD लिखा हुआ है जी, हर एक चीज पर KSD लिखा हुआ है जी, यहाँ तक कि बोल्ट भी कंपनी अपने आप बनाती है जी, आप बैरिंग खोल के देखेंगे उस पर भी KSD लिखा हुआ मिलेगा जी। ऐसा बाहर से कोई भी चीज कंपनी नहीं लेती है जी, सारी चीज जो है मैन्युफैक्चर। और कुछ समय बाद अगली वीडियो में हम आपको फैक्ट्री भी दिखाएंगे जी जी। तो विकास जी थोड़ा सा इसके पेंट की क्वालिटी के बारे में बताइए, जैसे कि आजकल सब डीलर ज़्यादातर कंपनियों के डीलर यही कहते हैं पाउडर कोटेड पेंट है, पाउडर कोटेड पेंट है, तो उसकी जो एक्चुअल चीज़ है वो बताइए आप, क्या कौन सा पेंट है इसके अंदर? जी ऐसा पाउडर कोट तो सभी आ रहे हैं ज़्यादातर जी जी जी, लेकिन जो क्वालिटी की बात करें, अगर इसे 5 साल भी अगर बाहर छोड़ देते हैं आप जी जी, धूप में, बारिश में, पानी में, कहीं भी, तो इसका पेंट खराब नहीं होगा जी, बहुत अच्छी क्वालिटी का पाउडर कोट है ये जी, यानी कि जबरदस्त क्वालिटी का पाउडर कोट है जी जी जी। कंपनी ने क्वालिटी के मामले में किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है जी, लेके बोल्ट से लेके फाड़े तक, बैरिंग तक, सब चीज जबरदस्त लगा, जबरदस्त है जी। थोड़ा सा आप भी बताइए, जैसे कि आप यूज कर रहे हैं, कितना समय आपको हो गया और इसकी देखरेख आप किस तरीके से कर रहे हैं? देखरेख की बात तो ये है जी, हम जब से लाए हैं इसे तब से बाहर ही रहता है जी जी, ओस में और बारिश में, यानी कि सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो, बाहर ही खड़ा है जी जी। पेंट की बात तो ये, अगर अभी धो दिया तो बिल्कुल आप नए में और पुराने में अंतर नहीं बता सकते जी, जैसा आपने खरीदा था आज भी वही पेंट है जेन्युइन? बिल्कुल वही पेंट है जी जी जी। तो अगर पेंट की भी बात करें तो पेंट वाइज भी आपको काफी अच्छा लगा रोटावेटर? सारी क्वालिटी है जी इसमें जी, पैसे जो है क्वालिटी के ही है जी, यानी कि अगर आपने जितने पैसे इसके अंदर खर्च किए हैं आपको ये नहीं लगा कि हमने गलत जगह पैसे डाले? नहीं जी, हम तो बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल पैसे खर्च कर जी हमें वैसी चीज मिली जैसा हम चाह रहे थे जी, जितने पैसे आपने खर्च किए इसके लिए बिल्कुल उतनी क्वालिटी है इसके अंदर जी जी। नितिन जी अब आप ये बताइए, ये जो रोटावेटर है, पहले तो ये बताइए किसान भाई, जैसे कि मार्केट में तो बहुत सारे रोटावेटर की कंपनियां हैं, अपने रोटावेटर के अंदर क्या चीज़ है खास और क्या क्वालिटी है इसके अंदर, वो बताइए पहले किसान भाइयों को। सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, ये जो अपना KAD रोटावेटर है डिस्ट्रिक्ट संगरूर में धूरी पड़ता है वहाँ का बना हुआ है। दूसरी बात, अपना रोटावेटर जो आता है चैम्पियन मॉडल के अंदर ही आता है। यदि कोई भाई हमारा कोई छोटे फ्लैंज का रोटावेटर मंगाना चाहता है तो वो ऑन रोड पे आता है, अन्यथा तो हमारी कंपनी बड़े फ्लैंज चैंपियन मॉडल में ही सेल करती है। तो त्यागी जी थोड़ा सा जो है चैंपियन मॉडल के बारे में बताइए, ये क्या चीज़ है, मतलब किसान भाइयों को सिंपल वे में अगर बात करें? ये चैंपियन मॉडल का जो होता है, जो इसकी सापट है, इस पर जो रूले लगे हुए हैं नीचे, उसकी 6 इंची होती है, जो रेगुलर मॉडल बोल देते हैं जिसे लोग बाग, और जो चैंपियन होता है उसकी 7 इंच की गहराई हो जाती है, यानी कि जो रूला है वो अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है सबसे ज़्यादा गहराई के लिए। दूसरी बात, आजकल के जो रोटावेटर चल रहे हैं आपने भी देखे होंगे, उनमें मतलब 6 बोल्ट की टोपलिंग आती है, यानी जितनी हमारी है इससे आधी अपनी जो टोपलिंग है, ये जो फ्रेम है जहाँ पर हाँ, तो अपनी जो आती है ये है 10 बोल्ट की, 10.9 के हार्डनेस के ही बोल्ट लगे हुए KSG के। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी पार्ट्स लगा है, सिर्फ जो लोहे का मटेरियल है, चद्दर है, शीट है, ये टाटा स्टील से आती है। बाकी इसमें बैरिंग है वो भी KSD कंपनी का है अपना, इसमें बोल्ट हैं वो भी KSD के हैं, फाले हैं वो भी KSD के हैं, गेयर बक्सा गरारी सब KSD की हैं अपनी, मतलब बाहर से कोई असेंबलिंग नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे पेंट क्वालिटी पे को आजकल के जो किसान हैं बहुत ध्यान देते हैं, अपना जो है पाउडर कोट पेंट है। 5 साल मेरा रोटावेटर बाहर भी पड़ा रहेगा तो इसी पर किसी प्रकार का ना तो पेंट उखड़ेगा, ना जंग आएगा, कोई कुछ नहीं होने का। दूसरी बात यह कि ये अपना रोटावेटर 7 फीट के अंदर, ये जो आपने भी देखा होगा बहुत से रूटर आप तो करते ही रहते हैं जी, ये सिंगल क्लैंप देते हैं जी,
हमारी कंपनी जो है ये डबल क्लैंप देती है। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ भी KHD इस पे लगा हुआ है, ये KHD के अंदर ही बनता है। सबसे बड़ी बात तो होगी कि डबल क्लैंप हो गई, यानी चार क्लैंप में हो गया। दूसरी बात, अपना जो इसका ये डाला है, मेड़ा बोल सकते हैं जिसे हिंदी भाषा में हम, ये और उल्ट्रा मीटरों के मुकाबले इसका जो टीन गेज है वो हैवी है। अच्छा जी, तीसरी बात ये है कि बहुत सी कंपनियाँ हैं जो टूल किट वगैरह भी नहीं देती हैं। आप कहोगे कि इसमें क्या क्या फालतू है उनसे, सबसे बड़ी बात तो एक तो टॉप हैवी हो गया, टॉप हैवी हो जाएगा। टॉप हैवी होने से एक तो रूटर लर्ज नहीं मारेगा, वाइब्रेट नहीं करेगा अपना रोटावेटर। दूसरी बात ये होगी, एक इसके साथ हमारी एक टूल किट है जिसमें इसके सारे नट बोल्ट ग्रीस गन वगैरह के लिए, मतलब कस्टमर को ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, रोटावेटर के साथ ही मिलती है। इसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पर, ग्रीसिंग गन भी है इसके अंदर, और जो है कुछ जो है चाबियाँ भी वगैरह इसके अंदर जो है वो दी गई हैं। दूसरी बात होगी, अब सबसे बड़ी मेन चीज़ आती है कि भाई बहुत से रोटावेटर जगह जगह चल रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते, देखो सब अपना काम कर रहे हैं। अपना रोटावेटर पहली बात सबसे पहले गवर्नमेंट अप्रूव, दूसरी बात सब्सिडी में पास। हमारे इस सीजन में चार रोटावेटर गवर्नमेंट सब्सिडी पे गए हुए हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आप लोग बात कहेंगे जी सब्सिडी किसे मिलती है, बड़ी अच्छी बात है, ये सब्सिडी 100 में से 10 लोगों को मिलती है, ये बात भी हम मानते हैं। परंतु इसका सबसे बड़ा ये होता है, ये जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सब्सिडी में पास कंपनियाँ होती हैं जिनके जो ये, तो वो क्या है कि स्थाई कंपनियाँ होती हैं। कल को सपोज करो आप मुझसे रोटावेटर ले गए, मैंने बड़ी चुपड़म चापड़ी बात करी आपसे और आपको रूटर दे दिया, भाई मशीनरी है चल जाए सारी 10 साल चल जाए, पता लगा 10वें दिन ही ख़राब होगी। सपोज करो कि कोई गरारी टूट गई जी, इसकी गियर बक्से की या साइड गरारी बॉक्स की एक गरारी टूट गई, कस्टमर मुझे कॉल करता है, मैं कहता हूँ ठीक है जी मैं आ रहा हूँ जी, कल आ रहा हूँ परसों आ रहा हूँ, इस स्थिति में वो 10वें दिन मैंने कस्टमर के बिगाड़ दिए जी, मैं नहीं पहुँचा, कस्टमर को दिख गया कि पागल बना रहा डीलर जो है, तो वो तुरंत यूट्यूब पर जाके KHD सर्च कर सकता है पंजाब, तो मेरी कंपनी के MD साहब तक के नंबर हैं सर, तो वो मेरी शिकायत तुरंत ऊपर कर सकता है। उससे क्या है, हमारा सब पेपर राइट वर्क रहता है, यदि उनका ये कहना है MD साहब का जो लिखित रूप में उन्होंने लिया हुआ है कि यदि कोई भी कस्टमर को आप सर्विस अच्छी नहीं देते हो, उसे कोई दिक्कत हो रही है और उसकी कंप्लेंट हम पे आती है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमें मिली हुई है वो रद्द कर दी जाएगी। और त्यागी जी एक चीज़ और बताइए, जैसे कि वीडियो ऑल इंडिया जो है किसान भाई देख रहे हैं, अगर कोई ज़्यादा दूर से है या फिर अदर स्टेट से है, तो क्या आप उसे रोटावेटर यहाँ से दे सकते हैं? देखिएगा सर, हमारे रोटावेटर अभी तक तो जो गए हैं वो 150-200 किलोमीटर की हद तक गए हैं, और उन्हें मतलब जो अपनी व्यवस्था है ट्रांसपोर्ट की, भाई उसका चार्ज अलग होता है, 12 रुपये या 13 रुपये किलोमीटर लेते हैं ट्रांसपोर्टर जो होते हैं अपने, चार्ज हाँ। बाकी कोई आए, जैसे आएगा रोटावेटर किसी को पसंद आ गया समझ में आ गया, तो ऐसा नहीं है कि उसे दोबारा आना पड़ेगा, और अच्छा लग रहा है तो हम हैंड टू हैंड उसे ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसके घर भिजवा देते हैं जी। अब त्यागी जी मेन चीज़ क्या आ जाती है, सर्विसिंग की। जी जी जी, जैसे कि रोटावेटर तो खरीद लिया, सर्विसिंग मान लीजिए, सर्विसिंग रोटावेटर की होनी है, मान लीजिए कोई बैरिंग टूट गया, तो सर्विसिंग अपनी सर्विसिंग कैसी रहती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी किसान भाइयों को बताइए। देखिएगा सर, जैसे सपोज करो मेरा रोटावेटर अलीगढ़ चला गया जी, ठीक है जी, सपोज करो एक बैरिंग टूट गया, तो मेरा जो है जो कस्टमर आते हैं मैं उनसे यही कहता हूँ, जो कस्टमर दूर के हैं, मान लो सपोज करो बैरिंग टूट गया, एक कॉमन सी चीज़ है जी। हर जगह मिस्त्री हैं रोटावेटर के सही करने वाले जी। मैं उनसे सीधा ये कहता हूँ कि भाई मुझे जो बैरिंग टूट गया आपका, एक पक्के बिल की मुझे व्हाट्सअप कर दो, उनके अकाउंट में उनके पैसे प्लस जो मिस्त्री का खर्चा है वो सारा कंपनी पे करती है कस्टमर को, एक साल की इसकी अपने की फुल वारंटी है, गियर बक्सा साइड गरारी बॉक्स शापट बैरिंग, इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर लॉसेस होती है, एक साल तक कस्टमर टेंशन फ्री रहता है बिल्कुल। यानी कि अगर कोई फॉल्ट रोटावेटर के अंदर आ जाता है खरीदने के बाद भी, तो उसे पूरी सर्विस दी जाएगी, पूरी सर्विस एक साल तक जिस तारीख से वो ले जाएगा, और उसकी अगले साल तक उसके जिम्मेवार हम हैं, कस्टमर को कोई परेशानी नहीं है, लॉन्ग टाइम भी रोटावेटर खरीदे तो फुल सर्विस दी जाएगी। कोई अगर मेरा नया रोटावेटर खरीदना चाहता है भाई, सब मुझे तो ये मानो कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी कस्टमर्स को मेरे रोटावेटर गए हैं, मैंने 65 के समथिंग रोटावेटर अभी सेल कर दिए हैं 5 महीने के अंदर अपने, तो मैं कह रहा हूँ मैं उन कस्टमरों का नंबर दूंगा, आप कस्टमर से पूछो कैसा है कैसा नहीं है। देखो अगर कोई किसान भाई खरीदना चाहता है तो पहले कस्टमर के पास जाए, देखे चलाए तब आए आप। हाँ, हमारे जो मतलब
कुछ नज़दीक में भी जो गए हुए हैं रूटावेटर तो हम बता देते हैं। जैसे अभी पीछे अभी कल आए थे भैया की 265 महिंद्रा, तो हमने हमारा कुतबपुर मवी गया है जिला गाजियाबाद में मोदनगर के पास, हमने उन भैया का नंबर दिया डायरेक्ट, मैंने कि भाई हम बात नहीं आप नो नंबर जो चला रहे हैं उनसे बात करो कि भाई 265 पे चलता नहीं चलता है कैसा नहीं है। उनका आशिंदर भैया, आशिंदर नाम है उनका, आशिंदर जी का बहुत अच्छा आया, बोले भैया अपने काम के लिए 265 महिंद्रा भाई 30 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है आपको, उनका 2004 मॉडल ट्रैक्टर है, बोले कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, तुम नहीं कोई भी तुम्हारा कस्टमर आए मेरे पास सीधा भेज दो, मैं डेमो करा के खुद दूंगा उन्हें ये। तो दोस्तों ये है KSD का रूटावेटर जिसका आप लोगों ने डेमो भी देखा है। अब थोड़ा सा सब्सिडी का आपको दिखा देते हैं, इसके ऊपर सब्सिडी अवेलेबल है, पूरा कम्प्लीटली सर्टिफाइड है कंपनी, ये देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा जूम करिएगा कैमरा दिखाएंगे, ये आप लोग देखेंगे, ये टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह जो है वो सारी आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। हमारा रूटावेटर ये पास हुआ है, कहाँ से पास हुआ है, कैसे पास हुआ है, ये तो पहला पेज है और ये सेकंड पेज है कि किसी प्रकार का हमारा कोई फ्रॉड नहीं है जो कह रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि हम ये भी चाहेंगे वीडियो में जो रूटावेटर हमारे सब्सिडी पे गए हुए हैं हम एक बार चाहेंगे कि आप भी उनसे पूछें, पता करें कि उन्हें कितनी सब्सिडी कैसे मिली है, अपने रूटावेटर पे 50% सब्सिडी उन्हें प्राप्त हुई है। तो दोस्तों जैसा कि त्यागी जी ने आपको बताया सब्सिडी के ऊपर भी एक अलग वीडियो आपकी देखने को आपको जल्दी चैनल के ऊपर मिलेगी, किसान भाई से आपको परिचय करवाएंगे जो इसे यूज़ कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो उनकी भी वीडियो जल्दी ही आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। त्यागी जी अब रूटावेटर के अलावा भी अगर हम और चीज़ों की बात करें तो अपनी शॉप के ऊपर क्या क्या इम्प्लीमेंट अवेलेबल है? सर हमारे पास डिस्क डोलर है और अपना 15-10 का कल्टीवेटर है जो आजकल एक जुताई में चल रहा है, एक 9-10 का गन्ना जुताई का अपना एक 9-10 का है सर, और अपने सादे डोलर हैं ये डोली मेकर और जी अंदर अपने पंजाब के कसले हैं हमारे पास और जी खटपावड़ियाँ हैं, जेलियाँ हैं और स्पेयर है रूटावेटर का, हैरो टीलर का। तो त्यागी जी अब बात हम कर लेते हैं रूटावेटर के प्राइस की मेनली, तो थोड़ा सा इसके प्राइस के बारे में बताइए किसान भाइयों को। देखिएगा सर जो अपना ये चैम्पियन मॉडल है 7 फिट के अंदर, चाहे कोई 48 बिलियड ले या 54 बिलियड ले, कंपनी ने इसमें कोई डिफरेंस नहीं रखा है फिलहाल अभी तक आज तक जी। ये अपना रूटावेटर जो है सर 90,000 रुपये का है 7 फिट का, चाहे उसमें 54 बिलियड ले कस्टमर चाहे 48 बिलियड ले, जिसके ऊपर सब्सिडी पास है। सब्सिडी पास है मतलब अगर किसी समूह के साथ एक समूह वाली सब्सिडी आती है उसमें 80% सब्सिडी है अपने रूटावेटर पर, और जो पर्सनली कोई रूटावेटर की किसी पे है तो 50% है सर। यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे कि रूटावेटर 90,000 की कॉस्ट है तो लगभग 50% सब्सिडी के बाद लगभग 45,000 का किसान को पड़ जाएगा। जी 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 सर। तो दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू KSD के रूटावेटर का, जल्दी किसान की जो है वीडियो आपको देखने को मिलेगी, किसान का रिव्यू भी करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और कोई किसान भाई अगर रूटावेटर खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस आपको मिल जाएगा, बाकी स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से आपका जो है परिचय करवा देते हैं विद एड्रेस। सर मेरा नाम नितिन त्यागी है, ये अपनी शॉप सिद्धनाथ एग्रीकल्चर स्टोर के नाम से है, ये गढ़ मेरठ रोड जिला हापुड़ में लोधीपुर 51 ऑन रोड पड़ता है, इंटर कॉलेज के ठीक सामने पड़ती है, और अपना यहाँ पे हम सारे इम्प्लीमेंट्स रूटावेटर के साथ साथ और बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स बेचते हैं जी। दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में अब भी कोई क्वेरी है कोई सवाल है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली ऐसी ही किसी शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।